अरे भोपा भाई, कोई तिगड़म लगाकर आज का ये केस मुझे ही जितवा देना। और फिर वैसे भी जज साहब तो आपके जीजा लगते हैं, आपकी इतनी बात तो मान ही सकते हैं। अरे मानेंगे कैसे नहीं, हम उनके साले हैं। ये जज की जो नौकरी है ना, हमारे पापा ने ही इन्हें दहेज में दी है। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज ये जज साहब नहीं आए? चलो आ तो गए। अरे होशियार, खबरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जज साहब पधार रहे हैं। पधरा आ तो गए, अब क्या मुंह के अंदर घुसकर बताए? और यहाँ क्या जोधा अकबर चल रहा है? ये केस बहुत ही गंभीर केस है। इस केस में लड़की बेवफा है, लड़की ने लड़के को धोखा दिया है। आजा, आजा तू ही आकर बैठ जा। पहले बैठने तो दे, कम से कम सांस तो ले लें दे। अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, आप तो दिल पर ही ले लिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कव्वाली शुरू की जाए। इरशाद, अर्ज किया है कि तेरी मोहब्बत में चूर चूर हो गई। जी, तेरी मोहब्बत में चूर चूर हो गई। तुम मिल गई, हम भरपूर हो गए। मदरा, मेरा मतलब कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का केस है मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ और इसकी गर्लफ्रेंड के बीच की लड़ाई का। लेकिन ये मस्तानी मेलुआ है कहाँ? मस्तानी मेलुआ हाजिर हो। चीख लो और चीख लो, आवाज दे रहे हो या भूत भगा रहे हो? तमीज से आवाज लगा दो जरा। सॉरी 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 सॉरी, दोबारा आवाज लगाते हैं। मस्तानी मेलुआ हाजिर हो। अरे आ गए यार, क्या है आपस में लड़े मरे जा रहे हो? बताओ क्या है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो बताओ मुजरा क्या है? मेरा मतलब माजरा क्या है? तो जज साहब, माजरा ये है, मेरे क्लाइंट यानी कि मस्तानी मेलुआ और ये सामने कटघरे में खड़ी महिला, ये दोनों पिछले 100 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। 100 साल हो गए और अभी तक इन दोनों के ऊपर बुढ़ापा भी नहीं आया। वो दरअसल बात ये है कि ये दोनों 100 साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन किसी अवस्था के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर उसके बाद देखो जज साहब, इन दोनों का पुनर्जन्म हो गया। इन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान भी घर पे ही प्राप्त कर लिया। अरे भाई केस क्या है यार, ये तो बताओ। ये कबीर दास जी का जीवन परिचय ना सुनाओ हमें यार, केस बताओ क्या है। सॉरी माय लॉर्ड, मैं केस पर ही आने वाला हूँ। भोपा जी, पिछली सारी बकवास काट कर अब दोबारा से लिखना, ठीक है भोपा जी? अरे नहीं नहीं जानू, थोड़ी देर और, अभी मेरा मन नहीं भरा, कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, हैं? रुको रुको जरा, थोड़ी देर और बतियाओ, थोड़ी देर। भोपा जी, अच्छा किस चाहिए? ये लो, अभी लो, अभी लो, किस अभी लो? ए भोपा, ये क्या चुम्मा चाटी हो रही है? ये कोर्ट रूम है, लव पॉइंट नहीं है। तुम यहाँ ये लौंडियाबाजी करने आते हो या फिर नौकरी करने आते हो? क्या कहा भोपा? भोपा भाई से बदतमीजी, मैं दिखाता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। अब मैं घर वालों को सब कुछ बता दूंगा कि दीदी और तुम्हारी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई थी। मैं सब बता दूंगा कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे के फोन पर बातें करते थे। बताओ तो अभी कॉल करूँ पापा को? और ये नौकरी भी पापा ने तुम्हें दहेज में दी है, बताओ तो अभी फोन करता हूँ पापा को। अरे नहीं 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 साले साहब, नहीं नहीं ऐसा ना करो। और ये साले साले क्या लगा के रखा है, है? मेरा नाम भोपा है, भोपा। अरे नहीं भोपा जी, पापा जी का फोन मत करना है, पापा जी का फोन मत करना। ये छोटी मोटी बातों के पीछे कहाँ पापा जी को परेशान करेंगे अब। भोपा जी आप बैठ जाओ, हम देखते हैं, हम देखते हैं। बैठो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आगे की कव्वाली शुरू की जाए। मेरा मतलब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ तो हम ये बता रहे थे कि 3 साल पहले इन दोनों की याददाश्त वापस आ गई और ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर उसके बाद इनका लैला मजलू वाला प्यार दोबारा से शुरू हो गया। तो उसी तरह से मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ ने इन्हें यानी अपनी अर्धांगिनी को, अर्धांगिनी नहीं हूँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी,
सॉरी माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मस्तानी मिलिवा ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन 13 प्रो मैक्स गिफ्ट में दिया था। अरे भाई जरा आराम आराम से बोली लियो, मैं इंसान हूँ कौनो रोबोट नहीं हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी लिख लूँ। और वैसे भी ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मन करा उठा फेंक दे। इतनी बार कहा है कि ये कीबोर्ड नया मंगवाई लो, लेकिन हमारी सुनते कहाँ है, जैसे जज वैसे कीबोर्ड। ये क्या बदतमीजी है, ये कोई तरीका है जज से बात करने का? फिर से बेइज्जती, अब तो पापा को फोन लगाना ही होगा। अरे नहीं नहीं भोपा जी, कैसे बात कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और वकील तुम भी जरा आराम आराम से बोल, लिखने में टाइम लगता है भाई। जज साहब, मुझे तो लगता है लड़की बेवफा है, इस लड़की ने मस्तानी मिलुआ को धोखा दिया है। एक काम कर, तू यहाँ आकर बैठ और मैं तेरी जगह खड़ा हो जाता हूँ। हाँ ही ठीक रहेगा। अब की बार बोलो तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। खुद को तो दहेज में नौकरी मिली है, और बात करते हैं हमें नौकरी से निकालेंगे। क्या कहा? आप दोनों लोगन का लड़ाई झगड़ा हुई गवा हो तो हमें बोलने का मौका मिले। इजाजत है। अब मस्तानी मेलुआ ने इनको जो आईफोन 13 प्रो मैक्स दिया था, वो आईफोन इस लड़की ने अपनी किसी दूसरे आशिक को गिफ्ट में दे दिया। झूठ 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 जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने वो आईफोन 13 प्रो मैक्स किसी को नहीं दिया, बल्कि वो चोरी हो गया। देखा देखा जज साहब आपने, मेरे क्लाइंट ने क्या कहा, वो आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी हो गया था। अरे नहीं जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने वो आईफोन अपने दूसरे आशिक को दे दिया। जज साहब मुझे अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स की रकम वापस चाहिए। अब वो चाहे ये अपनी किडनी बेच कर लाए या अपने बाल बेच कर, वैसे भी बाल 3000 रुपया किलो बिक रहे हैं। देखा जज साहब, ये मस्तानी मेलुआ कैसी बाहियात बातें कर रहा है। नहीं जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, इस लड़की ने वो आईफोन 13 प्रो मैक्स अपने दूसरे आशिक को दे दिया। झूठ झूठ झूठ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट रूम है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर मचा रहे हो। चीखते चीखते गला सूख गया। थोड़ा पानी लेकर आऊं क्या? हाँ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, पानी लेके आओ या लस्सी लेके आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, जाओ लस्सी लेके आओ। ले आए लस्सी? लाओ, कहाँ है लस्सी? लस्सी के लिए रुपए तो दे दो, मेरे फूफा की दुकान नहीं है जो लस्सी फ्री में आ जाएगी। ठीक है ठीक है, केस खत्म करने के बाद मंगाते हैं लस्सी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या मुजरा चल रहा था? मेरा मतलब क्या माजरा चल रहा था? जज साहब माजरा ये था कि मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ ने इन्हें आईफोन। अरे भाई ये भी बात को कितनी बार कहोगे, अब ये बताओ आगे क्या हुआ था? अरे जज साहब मुझे बस अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स वापस चाहिए, वरना इसको फांसी दे दी जाए, हमारी मांग यही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स अपने आशिक को दिया था? अरे यार मेरे पास गवाह है। गवाह था, अब नहीं है। अब नहीं है मतलब? मतलब जो गवाह था उसका कल देहांत है, गवाह मतलब मेरी गवाह। देखा देखा जज साहब आपने, ये लड़का झूठ बोल रहा था, मेरा क्लाइंट निर्दोष है। मस्तानी मिलुआ एक तो बिना सबूत और गवाह के चला आया और ऊपर से झूठ बोलता है। रुक तेरी। अरे नहीं जज साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे यार, तुम्हारी सेटिंग की कसम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा तू? हरी अदालत में जज से बदतमीजी करता है तो फिर ये ले। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर ना रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मस्तानी मेलुआ को झूठ बोलने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जाती है। अरे नहीं जज साहब, ऐसा मत करे, मुझे फांसी की सजा ना सुनाओ। नहीं जज साहब, मुझे माफ कर दे।